आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ ही केजरीवाल सरकार की सबसे हैवीवेट मिनिस्टर रही आतिशी को आम आदमी पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में आम आदमी पार्टी के 57 विधायक मौजूद रहे। आतिशी ने एलजी से मुलाकात कर जल्द शपथ ग्रहण कराए जाने का आग्रह किया। आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी, तो आतिशी के सामने अब दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की भी बड़ी पहाड़ जैसी चुनौती है। आपको बता दें, आतिशी ने दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। जब विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद वो सीधे एलजी के पास गई और एलजी से मुलाकात कर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री चुने जाने की प्रक्रिया का उन्होंने उसे फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए कहा। तो वहीं अब आपको बता दें कि आतिशी ने दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और अगर वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं तो वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज इस पद को संभाल चुकी हैं। आपकी आतिशी पारी, मेकओवर की सियासत जारी। चुनाव से पहले केजरीवाल का गेम प्लान, अब ईमानदारी का इम्तिहान। दिल्ली में आतिशी सरकार, क्या आपका होगा बेड़ा पार? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से 48 घंटे के मंथन का अमृत उनके सबसे करीबी मंत्री आतिशी को मिला। आतिशी अब दिल्ली की सीएम बनने वाली हैं। तो कुर्सी का मोह त्यागने वाले केजरीवाल 2014 के बाद से सबसे बड़े त्याग के रास्ते पर निकल चुके हैं, जहां उनको जनता की अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करने की चुनौती है। तो दिल्ली शराब नीति घोटाले में लगे डाक के मेकओवर के साथ ही 2025 चुनाव में पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का चैलेंज भी। यही कारण है कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने यह साफ कर दिया कि उनके सामने दो ही टास्क है। पहला, चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनवाना और दूसरा, बीजेपी की साजिशों को नाकाम करना। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है, ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं। जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पर यह जिम्मेदारी दी है। आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे दो काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं, और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का पत्र। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और खुद सरकार गठन का दावा पेश करने के बाद आतिशी सिंह ने एलजी के शपथ ग्रहण की तारीख जल्दी तय करने का आग्रह किया है। दिल्ली की नई सीएम बनने जा रही आतिशी दिल्ली के कालकाजी से आप विधायक हैं, और 2020 विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव जीतने वाली आतिशी केजरीवाल सरकार में 9 मार्च 2023 को पहली बार मंत्री बनी। आतिशी के जिम्मे पीडब्ल्यूडी, शिक्षा समेत कुल 13 मंत्रालय हैं। तो 2020 चुनाव के बाद गोवा की आप प्रभारी भी रह चुकी हैं। आतिशी के लिए खास बात यह है कि वो केजरीवाल और सिसोदिया दोनों की ही करीबी हैं, तो आतिशी की गिनती आपकी सबसे मुखर प्रवक्ताओं में होती है। इधर आतिशी के सीएम बनने को लेकर सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि आतिशी केजरीवाल की नहीं मनीष सिसोदिया की पसंद है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव से 3 महीने पहले आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाना अरविंद केजरीवाल का चुनावी पैंतरा है। विषम परिस्थिति नाम चुनने की थी। अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। आपको ध्यान होगा, जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो उन्होंने कई सारे विभाग कैलाश गहलोत को दिए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया के दबाव में उसमें से कई सारे विभाग आतिशी को ट्रांसफर किए गए।
तो आज भी मनीष सिसोदिया कैंप की ही चली और इनके विधायकों को अंतर्विरोध बैठक में देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी ने मेकओवर करने का प्रयास किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मेकओवर करने से इस पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। जो भ्रष्टाचार के धब्बे आम आदमी पार्टी के दामन पर लगे हैं, वो भ्रष्टाचार के धब्बे इस मेकओवर से ठीक नहीं होंगे। चेहरा बदल देंगे, चरित्र इनका भ्रष्टाचारी है, वो वहीं रहने वाला है। आतिशी मार लेना उस हर भ्रष्टाचार जो दिल्ली की सरकार ने किया उसका एक अंग रही है, उस मंत्रिमंडल का हिस्सा रही है, तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा। शुभकामनाएं देना चाहूंगा आतिशी जी को, मुख्यमंत्री बनी है, कांटों का ताज है, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को थोड़ी सी राहत मिले उनके आने से, क्योंकि बहुत उम्मीदें नहीं हैं। 3 महीने बचे हैं, चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो ऐसे में कितना वो परफॉर्म कर पाएंगे कितना नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर अग्नि परीक्षा में जाना था तो जिस समय इल्ज़ाम लगे थे उस समय जाना चाहिए था। केजरीवाल जी का इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता को फिर एक बार बेवकूफ़ बनाने की एक और कोशिश है, ये बहुत सत्ता लोलुप हो चुके हैं, सत्ता से दूर ज़्यादा देर रह नहीं सकते। इनको उम्मीद है कि शायद जनता उनको चुनेगी, लेकिन मैं आपको बात सामने कह रहा हूँ कि 2025 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी।